संसार में एक प्रश्न पूछा जाता है कि बड़ा आदमी कौन है। तो संतों के द्वारा जो जवाब मिलता है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। जो आदमी अपने सामने आए हुए छोटे से व्यक्ति को भी इतना सम्मान दे कि सामने वाला अपने आप को बड़ा महसूस करने लगे, वही व्यक्ति बड़ा होता है। अर्थात हमको अपने सामने आए हुए किसी भी व्यक्ति को उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि उसको महसूस हो कि मैं छोटा व्यक्ति हूँ, ऐसा महसूस हो कि मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, तो वही व्यक्ति बड़ा होता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक व्यापारी थे, धन संपदा उनके पास बहुत थी, बहुत मान था उनका, नाम था सेठ सुगन चंद। उनके घर में एक बार खुशी हुई तो उस खुशी के अंतर्गत उन्होंने कहा कि नगर में जितने भी लोग हैं सबके घर मिठाई पहुंचाई जाए। सेवक इस काम पर लग गए, मिठाई घर घर पहुंचाई जा रही थी, लेकिन एक बहुत गरीब व्यक्ति, उसने मिठाई लेने से मना कर दिया। व्यक्ति बड़ा स्वाभिमानी था, उसने कहा जब मैं कभी सेठ के कुछ काम नहीं आया तो मैं उनकी मिठाई क्यों लूँ, मैं मिठाई वापस करता हूँ। सब सेवक वापस गए, सेठ ने पूछा सबके घर मिठाई पहुँच गई? सेवकों ने कहा नहीं, एक व्यक्ति ने आपकी मिठाई स्वीकार नहीं की। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि जब तक मैं उनके कोई काम ना आऊँ तो फिर मिठाई कैसे लूँ। सेठ जी ने कहा अच्छा चलो तैयारी करो, मिठाई लो और हम स्वयं चलते हैं उसके घर। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने श्रेष्ठ धनी व्यक्ति जो राजा को भी उधार में धन देते हों, वो खुद मिठाई लेकर एक गरीब व्यक्ति के घर जाएंगे। लेकिन वो गए, वहाँ देखा राजा ने कि सेठ ने देखा कि ये जो व्यक्ति है चने बेचता है, तो उतरकर अपनी बग्घी से उसकी दुकान पर पहुँचे, थोड़े से चने लेकर खाए और फिर उससे कहा भैया हमको पानी और पिलवाओ। वह आश्चर्य में पड़ गया, सोच नहीं पाया कुछ। इतने में सेठ जी ने उसकी टूटी हुई सुराई से पानी लिया और पी लिया। फिर सेवकों से कहा अब इनको मिठाई दो। उसने फिर वही कहा कि मैं कभी आपके कुछ काम नहीं आया तो फिर मिठाई कैसे लूँ। उन्होंने कहा अब तो मैंने आपके चने भी खा लिए, आपके यहाँ सुराई का पानी भी पी लिया, अब तो आप मिठाई ले लीजिए। वह गरीब व्यक्ति सेठ के पैरों में पड़ गया, बोला आप धन्य हैं। गरीब को कभी ये महसूस ना हो कि वह गरीब है, ये हमारा कर्तव्य है, हम उसको इतना सम्मान दे सकें ताकि वो अपने आप को भी धनी समझ सके। प्यारे बच्चों, जीवन में ये कुछ बातें याद करने योग्य होती हैं। आप जितना जिसको सम्मान देते हो, प्रत्युत्तर में आपको उतना ही आदर और सम्मान जीवन में मिलता रहेगा। आज हमारे इस नए साल का पहला दिन है, मैं अपनी ओर से, अपने सभी टीचर्स की ओर से आपके लिए, और न केवल आपके लिए, आपके सभी परिवारजनों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। नया साल आपके लिए नई खुशियाँ लेकर के आए, आप आगे बढ़ें, लेकिन ये बात याद रखें कि जीवन में एक साथ कुछ लेने की इच्छा ना रखें,
बस ध्यान दें कि हम जितना मेहनत करते चले जाएं, प्रभु हमें उतना ही देते चले जाएं, कोई दूसरे तरीके से हमारे पास कुछ ना आए। ईमानदारी से, हमारी मेहनत से जो हमें मिले हम उसी को स्वीकार करें। एक बार फिर आप सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर, ए लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच।